प्रिय भक्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम सुनाएंगे ओम श्री परमात्मे नमः श्री मद भगवद गीता के 5वें अध्याय का हिंदी अर्थ। 5वें अध्याय को कर्म संन्यास योग नाम के अध्याय से भी हम लोग जानते हैं, जो कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन जी को सुनाया था। इसके उपरांत अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर निष्काम कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में जो एक निश्चय किया हुआ कल्याणकारक होवे उसको मेरे लिए कहिए। इस प्रकार अर्जुन की पूछने पर श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, कर्मों का संन्यास अर्थात मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग और निष्काम कर्मियों अर्थात समत्व बुद्धि से भगवत अर्थ कर्मों का करना, ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं। परंतु उन दोनों में भी कर्मों के संन्यास से निष्काम कर्मयोग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, जो पुरुष किसी से ना द्वेष करता है, ना किसी की आकांक्षा करता है, वह निष्काम कर्मयोगी सदा संन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित हुआ पुरुष सुखपूर्वक संसार रूप बंधन से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, ऊपर कहे हुए संन्यास और निष्काम कर्मयोग को मूर्ख लोग अलग अलग फल वाले कहते हैं, ना कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी अच्छी प्रकार स्थित हुआ पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, निष्काम कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग को फल रूप से देखता है, वही यथार्थ देखता है। परंतु हे अर्जुन, निष्काम कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है, और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला निष्काम कर्मयोगी परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। बस में किया हुआ शरीर जिसके ऐसा जितेंद्रिय और विशुद्ध अंतःकरण वाला एवं संपूर्ण प्राणियों के आत्मरूप परमात्मा में एक ही भाव का निष्काम कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिपायमान नहीं होता है। हे अर्जुन, तत्व को जानने वाला सांग या योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आँखों को खोलता और मींचता हुआ भी सब इंद्रियाँ अपने आप में अर्थों में बरत रही हैं, इस प्रकार समझता हुआ निसंदेह ऐसे माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। परंतु हे अर्जुन, देहाभिमानियों द्वारा यह साधन होना कठिन है और निष्काम कर्म योग सुगम है, क्योंकि जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वे पुरुष जल से कमल के पत्ते के समान सदस्य पाप से लिपायमान नहीं होता है। इसलिए निष्काम कर्मियों की ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय मन बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। इसी से निष्काम कर्मियों की कर्मों के फल को परमेश्वर के अर्पण करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और सकामी पुरुष फल में आसक्त हुआ कामना के द्वारा बनता है। इसलिए निष्काम कर्म योग उत्तम है। हे अर्जुन, बस में है अंतःकरण जिसके ऐसा सांग योग का आचरण करने वाला पुरुष तो निसंदेह न करता हुआ और न करवाता हुआ नौ द्वारे वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर अर्थात इंद्रियां इंद्रियों के अर्थ में बरतती हैं ऐसा मानता हुआ आनंद घन सच्चिदा घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। परमेश्वर भी भूत प्राणियों के न कर्तापन को और न कर्मों को न तथा कर्मों के फल को संयोग को वास्तव में रचता है, किंतु परमात्मा की सदस्य का से प्रकृति ही बदती है अर्थात गुण ही गुणों में बढ़त रहे हैं। सर्वव्यापी परमात्मा न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को भी ग्रहण करता है, किंतु माया के द्वारा यह ज्ञान ढका हुआ इससे सब जीव में होत हो रहे हैं। परंतु जिनका वह अंतःकरण का अज्ञान आत्मज्ञान द्वारा नाश हो गया, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदस्य उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशता है अर्थात परमात्मा के स्वरूप को साक्षात कराता है। हे अर्जुन, तद्रूप है बुद्धि जिनकी तथा तद्रूप है मन जिनका, और उस सच्चिदानंद घन परमात्मा में निरंतर एक ही भाव से स्थित
स्थिति होती, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहते हुए आप पुनर्वृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। ऐसे भी ज्ञानी जन विद्या और विनयुक्त ब्राह्मण में तथा गौ हाथी कुत्ते और चंडाल में भी संभाव से देखने वाले होते हैं। इसलिए जिनका मन समत्व भाव में स्थित है उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में संपूर्ण संसार जीत लिया गया, अर्थात वे जीते ही संसार से मुक्त हैं, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है। ऐसे इससे भी सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित है। जो पुरुष प्रिय हो अर्थात जिसको लोग प्रिय समझते हैं उसको प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो, अप्रिय हो अर्थात जिसको लोग अप्रिय समझते हैं उसको प्राप्त होकर के दुखी नहीं हो, ऐसा स्थिर बुद्धि उद्वेगवान रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। बाहर के विषयों में अर्थात सांसारिक भोगों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला पुरुष अंतःकरण में जो भगवत ध्यान जनित आनंद है उसको प्राप्त होता है, और वह पुरुष सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा रूप योग में एक ही भाव से स्थित हुआ अच्छे आनंद को अनुभव करता है। जो ये इंद्रियां तथा इन विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं वे यद्यपि विषय पुरुषों को सुख रूप में भासते हैं तो भी निसंदेह दुख के हेतु हैं और आदि अंत वाले हैं, लेकिन बुद्धिमान विवेकी पुरुष अर्जुन उनमें रमता नहीं है। जो मनुष्य शरीर के नाश होने से पहले काम और क्रोध से उत्पन्न हुए योग को सहन करने में समर्थ है अर्थात काम क्रोध को जिसने सदा के लिए जीत दिया है वह मनुष्य इस लोक में योगी है और वही सुखी है। जो पुरुष निश्चय करके अंतरात्मा में सुख वाला है और आत्मा में आराम वाला है तथा जो आत्मा में ज्ञान वाला है ऐसा वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव हुआ सांख योगी शांत ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होता है। नाश हो गए सब पाप जिनके तथा ज्ञान करके निपत हो गया संशय जिनका और संपूर्ण भूत प्राणियों के रियत में रति जिनकी एकाग्र हुआ है भगवान के ध्यान में चित्त जिनका ऐसे ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध से रह जीते हुए चित्त वाले परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत परब्रह्म परमात्मा ही प्राप्त है। हे अर्जुन बाहर के विषय भोगों को न चिंतन कर दो, बाहर ही त्याग कर और नेत्रों की दृष्टि को व्यक्ति के बीच में स्थित करके तथा नाचिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जीती हुई इंद्रिया मन और बुद्धि जिसकी ऐसा जो मोज प्राण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहते वह सदा मुक्त ही है। और हे अर्जुन मेरा भक्त मेरे को यह